कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गर्वित है और मैं आज आपको कॉल्चिकम ऑटम नेल के बारे में बताने वाला हूँ। कॉल्चिकम ऑटम नेल, इसका दूसरा नाम मीडो सेफ्रॉन भी है और ये मेनली चिली पेशेंट्स को दी जाती है। ये जो कलेक्ट होती है ये मेनली यूरोप से कलेक्ट होती है और ये कलेक्ट होती है फ्रेश बल्ब से, यानी कि जो इसका टिंचर होता है टिंचर ऑफ फ्रेश बल्ब कहा जाता है और ये लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करती है। इसका इफेक्ट मेनली मस्कुलर टिश्यूज, पेरियोस्टियम और साइनोवियल मेम्ब्रेन पे होता है, यानी कि मस्कुलर टिश्यूज का तो मुझे लगता नहीं आप ज़्यादा समझाना होगा। पेरियोस्टियम जो होता है ये होता है डेंस वेस्कुलर टिश्यूज कनेक्टिंग द जॉइंट्स, यानी कि एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, इसके ऊपर एक लेयर होती है डेंस टिश्यूज की। पर ये जो टिश्यूज होते हैं ये शाफ्ट पे प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि जो बोन की लेंथ पे प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि जो रेडियस अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, इन सब की लेंथ पे नहीं प्रेजेंट होंगी, ये सिर्फ जॉइंट्स के पास प्रेजेंट होंगी। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ये मेनली साइनोवियल जॉइंट्स में होती है। साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में ये बताऊँगा कि ये सबसे एडवांस टाइप के जॉइंट्स होते हैं। ये मेनली सारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं और ये सबसे ज़्यादा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ये मेनली 7 टाइप्स के होते हैं और ये सबसे एडवांस टाइप के होते हैं, तो इसके बारे में मैं कभी और डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए तो बस ये सबसे एडवांस जॉइंट्स होते हैं और ये सबसे फ्रीली मूवेबल होते हैं। अच्छा, तो हम आगे अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं पेशेंट वो ज़्यादातर रूमेटिक पेशेंट होते हैं। रूमेटिज्म की डेफिनेशन है अ वेरिएशन विच इज मार्क्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन किसी भी डिसऑर्डर में होए तो फिर उसको रूमेटिज्म कह सकते हैं। रूमेटिज्म मेनली होती है जॉइंट्स में, टिश्यूज में, मसल्स में और वो जो वेल्वुलर रीजन ऑफ द हार्ट, वेल्वुलर यानी कि जो वाल्व्स होते हैं हार्ट में, जो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है और जो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व है, इनके बीच में भी जो अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उसको हम रूमेटिक इन्फ्लेमेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, और इसके आगे हम बढ़ते हैं। जो पेशेंट होता है वो उसको गाउटी डायस्टेसिस होता है। गाउट यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स। यूरिक एसिड डिपोजिशन या उसको हम हाइपर यूरिसेमिया कह भी सकते हैं। हाइपर यूरिसेमिया भी जो पेशेंट को होता है वो उसके कारण उसके जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है, इसके कारण उसको आर्थराइटिस होता है। तो अक्यूट इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो अच्छा, और पुराने समय में ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी, ये कैंट किताब में लिखा गया वैसे कि ना, कि किसी भी पेशेंट को अगर गाउट हो या गाउट जैसे सिम्टम्स हो तो बिना सोचे समझे पहले कॉल्चिकम ऑटम नेल दे दी जाती थी, बिना उसको कोई ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन चेक किए बगैर। तो इसका हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी मान सकते हैं, गाउट पे बहुत अच्छा असर करती है ये दवाई। अच्छा, और आगे हम डायस्टिसिस का मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। डायस्टिसिस होता है अनयूजुअल ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड्स अ डिजीज। इसका मतलब कोई पेशेंट होता है उसको काफ़ी ससेप्टिबल होता है पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, तो वो डायस्टिसिस कहलाएगी। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो माइनर इलनेस होती है इसकी, ग्रीफ या मिसडीड्स ऑफ अदर्स, यानी कि किसी बात का दुख, कोई इसके साथ कोई दुखद घटना पिछले कुछ समय पहले घटी हो उसके बारे में सोच के उसको बहुत पीड़ा होती है, पीड़ा यानी कि दर्द, अच्छा नहीं लगता उस पेशेंट को, तो वो वाला पेशेंट भी हम कॉल्चिकम में ले सकते हैं। अच्छा, जो पेशेंट होता है उसको काफ़ी स्ट्रांग एवर्जन होती है लाइट से, नॉइज से, कॉन्टैक्ट से, बैड मैनर्स से। अच्छा, और ये सब अगर क्वालिटीज़ किसी पर्सन में हो तो उसके खिलाफ वो काफ़ी इरिटेबल हो जाता है। अच्छा, तो हम फिजिकल जनरल्स की तरफ बढ़ते हैं। जो फिजिकल जनरल्स होते हैं इस पेशेंट के, उसको पेन मेनली ड्रॉइंग पेन होता है। ड्रॉइंग यानी कि लेंथ में, ड्रॉइंग पेन यानी खींचा पेन, प्रेसिंग पेन, प्रेसिंग यानी कोई उसको दबा रहा है वैसा पेन, टीयरिंग यानी कुछ फटता हुआ सा पेन, और मेनली इसको जो पेन होता है वो
वो डीप इन कोल्ड कोल्ड एयर होता है और सुपरफिशियल इन वार्म एयर। और जो इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक बात है कि ये जो पेन होता है ये शुरू शुरू लेफ्ट में होता है और ख़त्म राइट में होता है, तो यानी लेफ्ट टू राइट जाता है इसका पेन। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं हम इसका। ये जो पेशेंट होता है उसको बैड इफेक्ट्स ऑन नाइट वॉचिंग, यानी कि रात को अगर जगे तो उसको सुबह जो भी कंप्लेंट्स है उसकी एग्रेवेट होंगी। अच्छा, और इसके बाद हम बढ़ते हैं एवर्जन टू फूड। उसको फूड देखते ही उसको नॉजिएटिंग सी फीलिंग आनी आएगी, जैसे उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा फूड देखना। और उस वो जब भी फूड देखेगा लोदिंग, यानी कि एकदम जैसे उसको वॉमिट आनी हो वैसी सी फीलिंग आएगी, यानी साइट और स्मेल पर भी वो एग्रेवेट हो जाएंगी इसकी जो भी कंप्लेंट्स है। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अफेक्टेड पार्ट्स जो होंगे जो वो पेशेंट के, वो कॉन्टैक्ट पर भी और मोशन पर भी, दोनों पर ही उसकी जो कंप्लेंट्स होंगी वो भी एग्रेवेट होंगी। अच्छा, और जो पेशेंट है वो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन यानी कि वीकनेस जो मैंने पहले बताया ये, वो शो करेगा। उसके कारण पेशेंट काफी वीक अपने आप को फील करे। अच्छा, फिर अब आगे बढ़ते हैं हम। जो पेशेंट होगा उसको इडिमा होएगा। इडिमा के बारे में ये बताऊंगा कि इसका दूसरा नाम ड्रॉपसी है, और ये होता है अक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन द बॉडी। अच्छा, ये आगे नाइन सब टाइप्स में और डिवाइड हुआ है, और इसके बारे में कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, रूमेटिज्म। जो रूमेटिज्म होता है इसका, वो हार्ट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अच्छा, रूमेटिक फीवर के बारे में आपको एक और बात बताता हूँ। जो रूमेटिक फीवर के बारे में हम ये भी लाइन सुनते हैं कि रूमेटिक फीवर के बारे में कहा जाता है कि जो रूमेटिक फीवर होता है इट लिक्स द जॉइंट बट इट किल्स द हार्ट, किल्स या ईट ईट्स द हार्ट। यानी कि जो पेशेंट होता है उसको गाउट और इन सब की बहुत दिक्कत आएगी, पर मेन जो उसका जो दिक्कत आएगी वो हार्ट में आएगी। वो कोई पैथोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस इन सब के कारण भी, और मेन ही नहीं कारण की वजह से। तो यार अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।